रिपोर्ट तय कर देगी कि भोजपुरी का असली किंग यानी कि असली बादशाह या यू कहने सही मायने में जो भोजपुरिया लैंग्वेज में कही जाती है कि असली बाप कौन है। तो आपको बता दें कि भोजपुरी में इन दिनों किसी का भी सिक्का चल रहा हो लेकिन कोई अगर किसी के टक्कर में नहीं है तो वो खेसारी लाल यादव के टक्कर में नहीं है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों की फिल्मों का ट्रेलर रिलीज हुआ और खेसारी लाल यादव की फिल्म बागी, जी हाँ बागी का ट्रेलर रिलीज हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह का ट्रेलर अभी कल ही रिलीज हुआ है। लेकिन आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि शेर सिंह के ट्रेलर को महज एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1.6 मिलियन व्यूज ही मिले हैं, जो कि अब तक पवन सिंह की कई फिल्मों का ट्रेलर निकला होगा ये सबसे कम है। और अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की फिल्म बागी की। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की फिल्म बागी के ट्रेलर को 3.7 मिलियन व्यूज 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर 3.7 मिलियन व्यूज मिले थे। और वहीं पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह के ट्रेलर को 1.6 मिलियन जो कि खेसारी लाल यादव के ट्रेलर से काफी कम है। वहीं आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की फिल्म बागी का एक गाना भी उसी दिन रिलीज किया गया जिस दिन शेर सिंह का ट्रेलर रिलीज हुआ और इन दोनों गानों के रिलीज होने में ज्यादा टाइम का डिस्टेंस नहीं था। उस गाने ने भी पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह के ट्रेलर से अच्छा व्यूज हासिल किया है। उस गाने ने एक दिन में 1.7 मिलियन और पवन सिंह की फिल्म ने 1.6 मिलियन व्यूज हासिल किए, यानी कि आप कह सकते हैं इन दिनों खेसारी लाल यादव सभी के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खेसारी लाल यादव की महज एक फिल्म इस पूरे साल में अभी तक रिलीज हुई है और उस एक फिल्म ने भोजपुरी की सबसे ज्यादा कलेक्शन की है। वैसे खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।